Guys, your boy experiencing snowfall for the first freaking time. मेरी फट तो रही है, बड़ा ऐसा दिखा नहीं रहा हूँ कि Hey, what's up? A very good morning to you guys. Today is day 4. अभी हम लोग कुफरी के लिए निकल रहे हैं, और अगर तुम लोग ये ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज जाके पिछले दो ब्लॉग्स देख लो, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है, तो जाके उसको जरूर चेकआउट करना. ओके, सो अभी बज चुके समथिंग अराउंड 10 बज चुके हैं, 10 11 बज चुके हैं, एंड अभी हम लोग होटल को चेकआउट करेंगे. मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया बिकॉज मुझे डिले हो गया था थोड़ा. सो अभी जैसे मेरा काम खत्म हो जाता है, सो आई विल गो फॉर द ब्रेकफास्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉर द फर्दर जर्नी. गाइस, हर्षद भाई ने ना ये दिखाया मुझे, जैसे कानों में ना बिल्कुल ये नहीं पड़ती, एंड भाई कुछ भी बोलो, होटल रूम्स हमें बहुत सही मिले, बहुत सेक्सी व्यू है, आके बहुत सेक्सी व्यू है. आई जस्ट लव द होटल रूम्स. प्रवीण, यू शाउट आउट टू यू फॉर अरेंजिंग सच अ गुड होटल्स. खाना भी एवन था, बहुत सही अरेंजमेंट था, सच बोल रहा हूँ. तो गाइस, फिलहाल के लिए हमारे बैग्स आ चुके सबके, उन्होंने सब हमारे बैग्स ले लिए, मैंने भी अपना बैग ले लिया यहाँ पे, एंड नाउ हम लोग को अभी निकलना है. एंड दीज आर द लवली पीपल्स विद मी. अरे नाउ का तुम सा सुमित, अरे मैम तुम सा मोनिका. गाइस स्वीटी है भाई, दोनों बहुत स्वीटीज है. And that's how Vaini's out there, that's Harsha Dada. अबे हम लोगों को क्या बोला, मिसल ऑफिस है ना. नहीं नहीं नहीं, ज़्यादातर आप कुफरी. मैं कुफरी और कुर्फी में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुफरी में जा रहा हूँ हम लोग अभी के लिए. फिलहाल के मैंने ग्लव्स पहन लिए, राइट वाले हाथ का निकाल दिया बिकॉज मुझे ऑब्वियसली व्लॉग करना है. अरे बस इधर रखना है ना, वाह लॉल, मैं उसको लेके क्यों आ रहा था पता नहीं. सो मैंने फिलहाल के लिए इसको निकाल के रखा है, ऑब्वियसली व्लॉग करने के लिए जमता नहीं. भाई अभी अच्छा लग रहा है धूप में, शिट भाई तू इतनी खुशी हो रही ना धूप आने पे. खाना बहुत टेस्टी था, बेड्स विड्स ऑल एवरीथिंग वाज रियली गुड, लाइक आई मीन टू से रूम्स बहुत अच्छे थे भाई. ये अंडरवर्ल्ड का रास्ता भाई, ऐसा लग रहा किसी दाऊद विद को छुपा के रखा है. द कंडीशंस फॉर नाउ इज रियली गुड, धूप निकल पड़ा है तो ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही. बस यू नो यहाँ पर बहुत वियर्ड है, जैसे ओपन में आओगे ना तो गर्मी लगती है, वो जैसे क्लोज एरिया में जाओगे ना ठंडी लगना चालू हो रही है. जैसे कि हम लोग रूम में ठंडी लग रही थी, बाहर आ गए गर्मी हो गई है, बट इट्स गुड. अभी धूप निकल चुकी है, धूप चाहिए थी भाई फाइनली. और अभी हमारा ट्रक वहाँ पर ट्रक है, वैन है, जो भी है. बाबा गैंगचे सर्विस मेंबर्स ला विनंती है, लवकर बसा बाबा ना आ गया. अच्छा भाई बाबा गैंग मेंबर्स है भाई, फुलते का ना बाबा ला आ गेले. ओके बसा रे पोरांना जा, चला बसा बसा, बाबा गैंगचे सर्व सदस्य लवकर बसा. बाबाला भेटायला चाललो. हा बोल भाई, बाबा यांच्या सर्व सदस्यांनी हाय बोलूनच जायचं. चलो गणपती बाप्पा मंगल मूर्ते मंदिर बाबा की जय. मी वेट करत होतो कोणतरी बोलेल करून. सो यप विद दैट सेड, हमारी अभी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम निकल रहे हैं कुफरी कुर्ती के लिए. मैं अभी भी वर्ड को प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ. ओह द रोड इज अमेजिंग. Guys, I don't think so, तुम लोगों को दिख रहा होगा, बट यहाँ पे स्नो गिरना चालू हो चुकी है. लाइक तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, I'm not sure. बट यहाँ पे हल्का हल्का स्नो गिरना चालू हुआ, बहुत ही हल्का हल्का स्नो गिर रहा है अभी, एंड दैट्स रियली गुड. जिस चीज़ के लिए आए थे आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो दिख रहा है, बट कोई ना. स्नो, लेट्स गो. एक दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा, अरे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा. अरे गाइस स्नो भाई अभी, दैट्स जस्ट लुक एट द शेप ऑफ द स्नो एंड इट्स भाई सवाल ब्रो, क्या
मैंने जुगाड़ को क्या किया, वो वाले ग्लव से ना वो हाथ ऑपरेट नहीं हो रहा था फोन, तो मैंने वही नहीं कहा ये वाला ग्लव्स ले लिया जिससे ऑपरेट हो रहा है कैमरा. सो इट्स फाइन बट द स्नो. अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ से टिकट्स निकाल रहे हैं फॉर द हॉर्स राइडिंग. यहाँ से हॉर्स लेके हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर और भी ज़्यादा स्नो है एंड एक्साइटेड. वी गॉट आवर टिकट्स एंड इट्स टाइम टू गो अप. लेट्स लुक एट द स्नोफॉल. इसी चीज़ के लिए हम लोग आए थे भाई. आई रियली वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस माई फर्स्ट स्नोफॉल एंड there we go. Sheesh. And we have also a new vlogger in the house. Let's go. Abhi horse ke liye hum log ruk rahe hain. Hamari aadhi team wahan piche hai. So we'll continue once they join us. Your boy experiencing snowfall for the first freaking time. Aur ye bas halki halki snow hai. Ye itni bhi snow nahi hai. Bas aa rahi hai thodi thodi si. But jo maza aa raha hai snow mein, it's amazing. Dhoop bhi nikal chuki hai yahan pe. बट स्टिल अभी स्नो थोड़ी कम हो चुकी है, थोड़ी ज़्यादा जोर से आई थी बट कोई ना, इनफ कंटेंट शूट हो गया तब तक. और अभी हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जाएंगे फिर यहाँ से ऊपर. ऊपर और भी स्नोफॉल है वो बोल रहे हैं, तो लेट्स सी ऊपर का मोमेंट कैसा रहता है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू कैप्चर ऑल दिस मोमेंट. बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है इस बार भाई, बहुत सारा. कल के लिए हम लोग यहाँ पे रुके. यहाँ से हम लोग घोड़ा लेंगे, यहाँ से घोड़ा लेके ऊपर तक जाएंगे पहाड़ तक. और फिर घोड़े का कुछ तो 500 rupees है आने जाने का, 250 जाने का, 250 आने का, ऐसा कुछ तो है. एंड इट्स लाइक अपने ऊपर है कितना टाइम ऊपर रह सकते हैं. वो घोड़ा वाला अपने साथ ही रहेगा. वी जस्ट हैव टू टेल हिम कि भाई हम लोग इधर ही है, ऐसा ऐसा. तब तक वो अपने साथ रुकेगा. एंड फिर उसके बाद यही आज का, आई थिंक सो यही आज का मेन सीन है. बट द स्नोफॉल वॉज रियली अमेजिंग, लवड इट. भले वो हल्की सी थी, हल्की सी थी, बट सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया उसको. अगर तुम्हें को घोड़े से बहुत डर लगता है आफ्टर केदारनाथ, अगर तुम लोग जाके आ गए तो तुम्हें को बहुत मालूम रहेगा कि हाउ स्कैरी इट इज टू कम डाउन एंड गो अप फ्रॉम हॉर्स. आज भी मेरी बहुत फट रही है, आई होप सो. ओके 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 भाई, मेरा मुझे नहीं लगता मैं बैठ पाऊंगा ठीक से. कहने लगेगा आईना सुभान अल्लाह जो हो रहा है. मेरी फट तो रही है, बड़ा सा दिखा नहीं रहा हूँ कि मेरी फट रही है यहाँ पे. फाइनली हम लोग उतर चुके हैं, स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गया यहाँ पे. एंड मैं जैसे हमारे क्रू के लिए रुका हूँ. फाइनली भाई, आई मिस्ड यू ऑल भाई. मेरा घोड़ा अकेला था भाई. फाइनली कोई ना, अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गई है. इट इज़ रियली अ गुड एक्सपीरियंस बट टेम्परेचर और गिर जा रहा है. एंड आई थिंक सो मुझे सर्दी होने वाली है. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो. पहली दफा है गाइस, लुक एट द व्यू. गाइस फाइनली इट्स टाइम टू ईट समथिंग. मैगी की बहुत गंदी क्रेविंग हो रही है घर में, अगर हम मैगी खाते थोड़ा. फोटोज बहुत ही बॉम आ रहे हैं यहाँ पे. आई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि राइट में आना शिट. मुझे सच में नहीं भरोसा आ रहा है कि ये जगह पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस खाना पीना एंड यू कैन चिल विद योर फ्रेंड्स एंड हैव सम गुड फोटोज. लोकेशन वाइज इट्स रियली अ गुड फोटोज के लिए बहुत ही बॉम जगह. अगर तुम लोग नेक्स्ट टाइम प्लान कर रहे हो तो गिव इट अ शॉट. बहुत अच्छी जगह है, इतनी भी खास नहीं है बट है, अच्छी है. फोटो लाइक तो है एटलीस्ट. यहाँ पे फुल एक मार्केट पड़ा पड़ा है मस्त, इन लोगों ने मार्केट बनाया. एंड आई एम मैंने एक चीज़ बहुत गंदी की है जो मैं तुम लोग को आगे चल के बता दूंगा. मैंने एक बहुत मेरी लाइफ का एक बहुत गंदा डिसीजन लिया है मैंने आज. बट कोई ना, हो रहा था हमारे साथ बस. ये मेरा ग्रुप सब मेरे साथ ही है कब से भाई, फुल मुझे हेल्प कर रहा है चीज़ों के लिए. सो यू शाउट आउट टू देम गाइस. बहुत ही अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है अभी एंड वी आर लविंग इट. शॉप्स यहाँ पे बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही सही शॉप्स यहाँ पे. टेम्पटिंग शॉप्स है गाइस बहुत सारे. भाई मन कर रहा है बहुत से कि मोमोज खाऊं, एक मैगी खा लूं और सॉर्टेड लाइफ. एंड मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ एक स्वेटर लेने के लिए और फिर एक जैकेट लेने के लिए जिसमें मैं वार्म फील कर सकूं. मेरे को पता नहीं क्यों मेरा बहुत वियर्ड है, मेरे को सिर्फ हाथ को ठंडी लग रही है. माय होल बॉडी इज़ ऑल गुड. मैं जिनको भी बता रहा हूँ ना बहुत, वो लोग क्रिंज आउट करे कि कुछ भी बना रहा है, बट जेन्युइनली सो लेट्स गो. स्नो हो रही है, एक्सपेक्टेड है कल इससे ज़्यादा स्नो होगी इसी जगह पे. और शिमला सॉरी मनाली में, मनाली के लिए निकलने वाले आज रात को. बट इट्स रियली गुड प्लेस फॉर फोटोज़. मैं ये बात नहीं ये कर सकता, फोटोज़ के लिए बहुत ही सही जगह ये है. भाई लोग जैकेट क्यों नहीं रख रहे भे? लेट्स गो. मेरे को ना इन लोग की ट्रेडिशनल टोपी बहुत पसंद है, वो वाली वो टोपी. I don't know why, हिमाचल वाली टोपी वो.
क्यूट दिखती है वो, क्या क्यूट है वो हिमाचल वाली, वो सॉन्ग याद आ रहा है भाई वो हिमाचल वाली मेरी, ए गाइस सॉन्ग नहीं आ रहा सॉरी बट अच्छा है। ओके तो यहाँ तक ही है आई थिंक सो, अच्छा लेफ्ट साइड तक और है क्या, लेट्स गो देन। नहीं सर जी सिर्फ देख, ओह वाह अच्छा गाइस सच में खाना खाने का बहुत गंदा मूड है, अच्छा खासा पेट भर के मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे नहीं जा रहा भाई मैं ऊपर ही बैठा हूँ। हर्षा दादा उन लोगों के ग्रुप यहाँ पे बैठा है, मैं अरे मैं पीछे रह गया मालूम अरे 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 भाई सब लोग मैगी खा रहे हैं, हम लोग भी मैगी खाने आई है, अच्छी है गाइस भाई मैगी खाता है मस्त, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे मार्केट में भाई लोग ने मस्त, अच्छा उधर भी है यस सर। क्या है आपका अभी? कुछ नहीं हम अभी मैगी खाने के लिए रुके हैं, आप हमसे पहले आए, पहले आके हम लोग अच्छे से खा के अभी घर पे जा रहे हैं। तो गाइस इन लोगों का हम लोग यहाँ पे मैगी के लिए रुके हैं, बोलिए आ रहे हैं एप्पल गार्डन? नहीं बिना एप्पल की जार देखने के लिए, एप्पल है मेरे पास हाँ इतने ज्यादा तो हो जाता हलोलू। गाइस यहाँ पे वेदर ना बहुत ही हार्श होते जा रहा है, यहाँ पे बहुत स्नोफॉल अभी तेज होते जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रुके खाने के लिए, मेरे को मोमोज खाना था बट रिव्यू इन लोगों ने अच्छे नहीं दिए बट कोई ना, तो हम लोग मैगी ले रहे हैं प्लेन मैगी और छोले कुलचे ले रहे हैं हम लोग, छोले कुलचे, तो मेरा जो छोले कुलचे का मन था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। सो या लेट्स स्टार्ट द थिंग, पहली दफा है बल्ला ऐसा हुआ। हमारे छोले कुलचे आ चुके हैं, लेट्स ट्राई, पिछले बार हम लोग खाए थे पॉकेट कुलचे थे क्या थे आई डोंट नो बट इस टाइम होपफुली अच्छा टेस्ट करें। चाय भी यहाँ पे ऑब्वियसली अवेलेबल है, चाय इज़ नॉट दैट गुड बट कोई ना, अभी यहाँ पे आके मैं चोचले नहीं कर सकता भाई। इट्स गुड, ठीक ठाक है इतना, अरे ऑब्वियसली तुम लोग क्या ही एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे आके, बट इट्स गुड, अगर इतनी हाइट पर तुम लोग तो इट्स गुड। इधर चटकापन फील नहीं होना रहा, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं ये वाली जगह पे, यहाँ पे ज्यादा स्नो है और प्रवीण ने मुझे उसका जैकेट दे दिया और यहाँ पे फोटोज के लिए ये वाला एरिया बहुत सेक्शन मुझे अच्छा लगा तो मैंने सबको यहाँ पे उठा दिया, तो अभी हम लोग यहाँ से फोटोज निकालना स्टार्ट करेंगे। सो या लेट्स गो। गंदा वाला मेरा जो हाथ है ना ऑल ऑफ, माइनस टेम्परेचर कितना है, -1-2 डिग्री में टेम्परेचर है, -2। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है निकलने का, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, अभी तुम लोग देख सकते हो पहले तो एटलीस्ट वो पेड़ दिख रहे थे, वो पेड़ दिख रहे थे, अभी वो पेड़ भी नहीं दिख रहे भाई। भाई मैं फाइनली, हम पूरे जो टूरिस्टिक सर्कल के लोग हैं हम लोग सेफली नीचे आ गए, और यू शाउट आउट टू प्रवीण भाई, वो बंदे की जो कामनेस है ना, जो हमारा टूरिस्टिक सर्कल जिसके थ्रू हम लोग आए, उसका जो कामनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हैट्स ऑफ भाई, वो बंदा इतना चिल था ना इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी भाई, मानना पड़ेगा। केदारनाथ के टाइम पे भी अगर तुम लोगों को मालूम है ना, केदारनाथ में गया था प्रवीण के साथ ही गया था, अमेजिंग मैनेजमेंट बहुत सही किया जाता। अभी हम लोग नीचे आ चुके फाइनली, ऊपर टेम्परेचर -2-3 के अराउंड समथिंग गया था, अभी यहाँ का आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, प्रोबेबली 4-5 के अराउंड रहेगा। अभी आई एम फीलिंग रियली गुड, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी, हाथ पूरे मेरे बंद हो गए थे, तो अभी सब लोग कार में ही बैठे हैं, सो अभी इन लोग को कार में थोड़ा चिल मार के थोड़े टाइम में हम लोग सब लोग निकल जाएंगे यहाँ से। बट प्रवीण इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, अमेजिंग मैनेजमेंट प्रवीण, लेजिट बोलते ना भगवान की दुआ थी करके बच गए भाई, वो जो इतनी ठंड लग रही थी ना मेरे को भाई, प्रवीण हैट्स ऑफ ब्रो, बहुत सही तरीके से तूने मैनेज किया। शरी नजर का शराब पीना सिखा दिया, जाके ठंडक पड़ी भाई, ठंडक भी नहीं गर्माहट पड़ी भाई, जो हाल बना पड़ा ना सुबह से गाइस, दिस एंड ये चाय, एक्चुअली चाय अच्छी है भाई, आई लव्ड इट, जब केदारनाथ के टाइम हम गए थे ना वहाँ पे बहुत पानी वाली थी, बड़ी इधर अच्छी है गाइस, कौन सा नाम बता, नाम प्रमोट करूँगा मैम। ओके
शेर है पंजाब गाइस, बहुत ही अच्छी चाय थी भाई। ये फैसिलिटी सबसे बेस्ट है भाई, मुझे तो बहुत सही लगी। चाय भी अच्छी, क्वांटिटी भी, चाय अच्छी है, क्वांटिटी भी बहुत सही है। लड़कियां भी अच्छी, उसके साथ में गुड्डे बिस्किट भी है। चाय इज वंडरफुल चाय गाइस, सच में भाई बहुत प्यारी चाय। मन खुश हो गया ना भाई, इस चीज के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। क्या बोलते हर्षद भाई, ठंडी में गर्मी का है यार, इतना क्वांटिटी में चाय मिल रहा है। एग्जैक्टली 30 रुपए में चाय गाइस, बहुत ही प्यारा। अगर तुम इस रोड से आ रहे हो ना, एक बार ट्राई जरूर देना, बहुत ही सही। एक तो इतनी ठंडी लग रही थी ना, माइनस टेम्परेचर में थे। भाई जान का है शेर ऑफ पंजाब, शेर ऑफ पंजाब भाई, जरूर आओ सच में बहुत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, सो दैट इज इट फॉर टुडे। अभी टाइम हो चुका था खाना खाने का, होटल में आ गए, खाना बहुत ही अमेजिंग था। टूरिस्ट सर्कल को यू शाउट आउट, बहुत ही सही अरेंजमेंट की थी। अभी इट वॉज टाइम फॉर अस टू लीव द होटल आफ्टर दिस, और फिर हम लोग को मनाली के लिए जाना था, जो कि तुम लोग अगले ब्लॉग में देखो रहेगा। और अगर तुम लोग ने व्लॉग फर्स्ट टाइम देखा तो पहले वाला ब्लॉग देख लेना। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग द व्लॉग, कैच यू गाइस इन अनदर वीडियो।